हम डिस्कस कर रहे थे मस्तानी एंड आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा होगा. अब हमारे सेट पर आ गए हैं उस्मान रिज़वी हु इज़ अ फिल्म मेकर, अ राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ मस्तानी एंड दानिया निज़ामी हु इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ मस्तानी. वेलकम टू द शो यू गाइस. थैंक यू. कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? Excited. अच्छा फील कर रहे हैं? हाँ, अर्ली मॉर्निंग यू नो डिस्कसिंग द मूवी एंड आई बिलीव आप लोगों की पहली प्रमोशन बेसिकली आप लोग शुरू कर रहे हैं विद चाय टोस्ट और होस्ट. अमेजिंग. अच्छा, सो टेल मी अ लिटिल अबाउट द मूवी उस्मान, आपकी क्या इसके बारे में? जी, बहुत मजाइश और बहुत रोम कॉम कॉमेडी है और थ्रिलर एक्सपेक्ट है इस मूवी के. अच्छा, तो as soon as you start watching it, you have to finish the movie. We have seen it over, we have shown it to over 50 people. Amazing. And everybody who started it, they want to see what's the ending. Yeah. So the way I wrote it is I wrote the beginning and I wrote the end. Achha. And then a year later I connected A to B. So the journey from A to B is really interesting. Achha, that's quite interesting. Achha, ab aap mujhe bataein, aapne specifically Amnaz ko kyun cast kiya? Amnaz. Amnaz. The jo casting puri movie ki jo sabse pehle casting hui wo Amna Ilyas ki. Yes. Aur when I casted her, I think at that point Baji movie released. Yeah, I saw her acting in there. मैंने उनको उस वक्त भी कहा था, मैंने कहा it was amazing. Thank you. And you, her acting is really amazing. And उस जो character ये play कर रही है मस्तानी का, she did an amazing. I think she's doing a phenomenal job. मैंने अभी trailer में भी देखा, तो I think वो जो bubbly rose colored glasses वाली feeling चाहिए वो, I think Amna's delivering it quite well as well. Yeah. And what about the other Amna? And उनका जो character है वो इनके best friend का character है. अच्छा. और movie जो place हुई है सारी पिंडी में place हुई है और उनका थोड़ा कम गो करेक्टर है और थोड़ा कम बात करती है, थोड़ी शाय करेक्टर है. अच्छा, जब उनसे मीटिंग हुई और मैंने इनको यही जज किया दिस इज द परफेक्ट रोल फॉर हर. वो एक्चुअल रियल लाइफ में भी आती है. अच्छा, तो दैट्स अमेजिंग. तो आपने दोनों का कैरेक्टर देखते हुए उन दोनों की कास्टिंग की. सो नाउ द आमनाज एक्सप्लेन. What about your views? कहने का मतलब है कि जो रियल में ऐसे स्वीट स्वीट से बच्चे लगते थे ना, क्या आपको बाद में सच्चाई पता चली? मुझे एक्चुअल में मुझे कोई अभी तक सच्चाई नहीं पता. अभी तक नहीं हुई. चलिए, अभी तक हमने धोखे में रखा है. वेरी गुड देन. आपके क्या रिव्यूज हैं अबाउट द मूवी? आपके क्या थॉट्स हैं अबाउट इट? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं. आई एम एक्साइटेड और मैंने इनको पंप भी किया है. मैंने अफान को भी पंप किया है. Has been calling me and asking, Dania, जब एडिट हो रही है लाइक डबिंग से लेके मुझे बताएं, डबिंग पे आने से पहले भी. एंड लाइक अफान, आई हैव बीन वॉचिंग अ लॉट ऑफ मूवीज. मैंने बॉलीवुड, हॉलीवुड, तमिल, मतलब मैंने कोई मूवी उस तरह से नहीं, मैंने पाकिस्तानी सारी मूवीज देखी है. एक्चुअली यूएसए से हैं तो वहाँ पे रिलीज उस तरह से पाकिस्तानी मूवीज कम होती हैं, तो हम ट्रैवल बहुत करते हैं. अच्छा, तो जब भी हम ट्रैवल करते हैं एयरप्लेन पर मैं देखती ही पाकिस्तानी मूवीज. अच्छा, क्योंकि वही चांस है हमारा देखने का. तो वहाँ से उस लिहाज से मैंने कहा अफान, मैंने एज अ व्यूअर आपको बता रही हूँ, लाइक इट्स अ रियली गुड मूवी. क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट वाचिंग इट, आप एंड तक लाजमी उसको देखोगे, बिकॉज इट्स अ सस्पेंस स्टोरी. और इनको तो परमिशन भी इसी बेस पे मिली क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग थी हमारी. अमेजिंग. कि जाके शूट करो. और आपने बड़े अच्छे तरीके से लिखा कि पहले एंड और फिर स्टार्ट, राइट? हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारे को स्टार अफान को. अब सब लोग थोड़ा थोड़ा बोलेंगे अफान के बारे में, बिकॉज ही इज नॉट हियर एंड सिंस वी आर मिसिंग हिम. हम क्या फीडबैक दे सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? आई थिंक मैं तो बोल चुकी हूँ अफान के बारे में. आई थिंक यू गाइस गो अहेड. या अफान, ही इज अ वेरी जेन्युइन एंड नाइस पर्सन. लाइक इतना ज्यादा, लाइक ही वॉज लाइक, उसको इतना भगाया है इतना हम लोगों ने मूवी में. आई थिंक सीन्स में भी है कि वो काफी भागे हैं. भागे हम sure. उसमें लाइक ही इज वेरी काइंड, ही इज लवली टू वर्क विद. वो यार, just building on top of both of them, he's a genuine person. Whenever you talk to him, of course, he's just straightforward. He'll tell you if he doesn't like anything, he'll tell you if he does like something. So bahut easy go hai. Easy Kashmir mein jaake humne shooting ki aur bahut emergency mein jaake shooting ki humne. Aur he was ready last minute, ready to go to Kashmir. Kashmir mein unka ek scene tha, nadi wo beh rahi hai, to usme se na pani muh mein dalna hai. To wo ab thoda sa kharab pani aa raha tha, kehte koi baat nahi main dal dunga. अब वहाँ पे मिट्टी में एक सीन था, कहते कोई बात नहीं मिट्टी में भी कर लूंगा. He is really easy go, adaptable person to work with, and I think ये बड़ा जरूरी आजकल. Oh yeah, for sure. And then you've already said if in case you still want to say more, but Amna,
What about you? आपका अफ़ान के साथ कैसा रहा experience working with him? अफ़ान के साथ मेरे ज़्यादा scene shoot हुए नहीं हैं। अच्छा। Actually हम एक आप वैसे भी बड़ी mysterious तरीके से ना अपना role। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा आपका role। As a person I know अफ़ान is a very good human being, but उनके साथ मेरे कोई ऐसे ऐसे scene हुए नहीं। अच्छा अच्छा नहीं। लेकिन I know उनकी vibe बहुत positive है। Amazing। I'm sure you saw him. Yes yes। सबसे ज़्यादा shoot पे late कौन आता था? Late? I don't think it's just a fun game that we're doing. Quick, quick, fun questions. Probably me. Sab punctual the? I was in the most scene, so it should be me. Haan, of course, that's fine. That's fine. Aur film mein sabse zyada retakes kisne kiye? Maine ki hogi. That's fine. Nahi, nahi, you guys can tell. Man can tell. So retakes, I don't think कोई एक ऐसा person stand out हो रहा है. Okay. लेकिन like नहीं आपको किसी एक का तो नाम लेना पड़ेगा. But like she said, she is बहुत ज़्यादा इनका वो था family के साथ भी, अफ़ान के साथ भी, आमना मलिक के साथ भी. तो I would say आमना इलियास, but not in a bad way. Okay, आमना you asked for it. क्यों कहा? आमना you asked for it. Bring on. But not in a bad way though. अच्छा next director से सबसे ज़्यादा डांट किसको पड़ती थी? Oh. सबसे ज्यादा डांट डायरेक्टर को ही पड़ा. अमेजिंग, आई लव दिस. अच्छा, फेवरेट लोकेशन कौन सी थी? फेवरेट हवेली थी जहाँ हम शूट कर. आई थिंक हमारे लिए तो आई मीन आई डिडंट गेट अ चांस टू सॉर्ट ऑफ गो इन कश्मीर एंड शूट लाइक ग्रीनरी एंड एक्चुअली आई डिड लाइक राइट नो लेकिन फेवरेट लोकेशन आई वुड से जब फैमिली की सीन शूट हो रहे थे ना और घर में, दैट वाज द बेस्ट पार्ट. बहुत एवरीबॉडी वाज गेटिंग अलोंग. ओके सर, राउंड राइट हवेली डन. तैयार होने में सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता था? That's not true. That's a lie. Actually, मुझे किसी पे डालना ही था. किसी पे डालना था. मुझे ये बस. अच्छा, सबसे ज़्यादा नखरे किसके थे? आमना. आज इस. You're the clear winner over here. Even if it's bad, you're the clear winner over here. Own it. Just own it. नहीं पाया. अच्छी बात है. नहीं मस्तानी है तो बनता तो है ना. मस्तानी तो. That's what I was going to say. अच्छा 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 अच्छा. Last one. कभी इस फिल्म की shoot cancel हुई? Of course, yeah. Because of COVID as well, हमारा spell ये बारिश भी एक दिन हो गई थी. बारिश तूफान. और सबसे मुश्किल dialogue कौन सा था scene? सबसे जो scene मुश्किल. I think सबसे ज़्यादा मेरा मुश्किल scene था in which where खंजर वाला. खंजर वाला. खंजर वाला. Okay. Where there's a big monologue that I had to say and it was very dramatic and with a lot of emotions and I don't know how I did it. I love that art जो आमना का वो वाला है because I think that dialogue, the whole thing, the emotion she brought, I think every female in this country is gonna connect. Every female. I really have to watch it. And it's gonna bring tears in your eyes. Like I had tears in my eyes. That's huge. I mean, I don't know. I can't wait to see what a great job you've done, Amna.